أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक यानी द नेकलेस, जो कि स्टोरी सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, आज हमारा ये इसका ये 5th लेक्चर है। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 111 से। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 111 निकालिए, तो वहाँ पर यानी बिल्कुल पैरा नंबर 1 से हम इसकी आगे रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टोरी को पढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आपको प्यारे बच्चों मालूम है कि बाल पार्टी में यानी उस मनुष्य की पार्टी में शमूलियत यानी शिरकत करने के बाद जब मैटिल्डा वापस अपने घर लौटी, तो उसकी गर्दन में वो हार यानी नहीं था जो उसने अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर से उधार लिया था, वो उसने कहीं पर गंवा दिया है। तो घर पहुंचते ही उसको ये पता चला, तो उसको शोहर उससे कहता है कि जब आप वहाँ से निकली, क्या आपने उसको यानी देखा है कि वो आपकी यानी गर्दन में लगा है या नहीं? तो उसने कहा उससे कि बिल्कुल, जब हम वहाँ से बाहर आई थी तो मैंने हाथ लगा कर इसको देखा। तो आइए अब पेज नंबर 111 पर आप देखिए गौर से। तो वहाँ से हम यानी फर्दर इसको आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या कुछ होता है यानी उस हार के बारे में। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। यानी मिस्टर लोजिल यानी मैटिल्डा के शौहर ने उससे कहा, लेकिन अगर तुमने उसे गली में खोया होता तो हमें इसकी गिरने की आवाज़ सुनाई दे देती। ये लाजमी तौर पर बगी में ही गिरा होगा। यानी उसका मतलब है कि अगर वो कहीं सड़क पर गिरा होता तो ज़रूर हम उसकी आवाज़ गिरने की आवाज़ सुनते, इसलिए मुझे लगता है कि वो उस बग्गी में, उस घोड़े गाड़ी में गिरा होगा। यस, इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? तो उसकी मैटिल्डा ने उससे कहा कि हाँ, हो सकता है, क्या तुमने इसका नंबर पढ़ा था या उसका नंबर आपने नोट किया है उस घोड़ा गाड़ी का? नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं, और तुमने, क्या तुमने देखा था कि इसका नंबर क्या है? यानी मिस्टर लोजिल ने मैटिल्डा से कहा कि मैंने उसका नंबर नोट नहीं किया, क्या आपने मत उसका नंबर देखा है या उसको नोट किया है? नो, तो मैटिल्डा भी कहती है कि मुझे भी उसका नंबर यानी मैंने नोट नहीं किया है, तो मैंने उसका नंबर देखा है। दे लुकड एट ईच अदर अटरली कॉस्ट डाउन, फाइनली लोजिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगैन। वो एक दूसरे की तरफ यानी दोनों मैटिल्डा और लोजिल एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे मानो उन पर बिजली आ गिरी हो। आखिर लाजिल ने दोबारा अपने कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वायर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो मिस्टर लाजिल ने जब कपड़े पहने तो वो चल पड़ा, तो उसने मैटिल्डा से कहा कि मैं जाता हूँ इस रास्ते पर होता हुआ जो हमने पैदल तय किया था, और देखता हूँ शायद ये कहीं मिल जाए। या मैं यानी उसने मैटिल्डा से कहा कि मैं अब जा रहा हूँ यानी उसको ढूंढने के लिए, यानी जिस रास्ते पर हम थोड़ा पैदल चले थे उसी रास्ते की मैं जांच करूँगा, वहाँ पर मैं देखूँगा कि कहीं वहीं पर गिरा मत होगा, अगर वहाँ मिले। And he went,
She remained in her evening gown. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वो चला गया, यानी उसका शौहर मिस्टर लॉजिल, मिटिल्डा अपनी रात वाली पोशाक पहने ही बैठी रही। इसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि बिस्तर पर जाकर लेट सकती। यानी अब मिटिल्डा भी जागती रही और वो इंतज़ार कर रही थी यानी लॉजिल के आने की। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बेंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। ही वेंट द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड। यानी मिस्टर लॉजिल ने 7 बजे वो वापस घर लौट आया, उससे कुछ नहीं मिला था। वो पुलिस के पास गया, गाड़ी वालों के दफ्तरों में गया और उसने इनाम की पेशकश करते हुए अखबारों में इश्तहार दी। यानी मिस्टर लॉजिल यानी 7 बजे जब घर आया, इससे पहले उसने यानी पुलिस में भी इसके गुम होने की रिपोर्ट की है, इस हार की। यानी जो बग्गी वाले के उनका दफ्तर था गाड़ी वालों का, वहाँ भी वो गया, तो वहाँ पर भी उसने इसके बारे में उनको यानी जानकारी दी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इसके अलावा उसने इन्हें अखबार में एक इश्तिहार भी दिया और उस इश्तिहार में उसने इनाम की पेशकश भी की थी। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बीवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। लॉजिल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। यानी वो इस खौफनाक नुकसान की खबर आने से पहले पूरा दिन घबराहट की हालत में इंतज़ार करती रही। लॉजिल शाम के वक्त लौट कर आया, एक पीला सा चेहरा लिए हुए। उसे कुछ पता नहीं चल पाया था, यानी वो बिल्कुल खाली हाथ वापस लौटा मिस्टर लॉजिल। यानी उसको कोई भी पता, कुछ भी पता उस खोए हुए हार के बारे में न चला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। यानी मिस्टर लॉजिल ने अपनी बीवी यानी मिटिल्डा को ये तजवीज़ दी कि तुम अपनी सहेली को लिख दो कि तुम से हार की कुंडी टूट गई है और तुम उसकी मरम्मत करवाओगी, इससे हमें कुछ सोचने का वक़्त मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, यानी मिटिल्डा ने ऐसा ही किया जैसा कि उसके खावद ने उसको, उसके शौहर ने उसको बताया। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉजिल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल। यानी एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो सब उम्मीदें खो चुके थे, यानी उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं रही थी। और लॉजिल जो पहले से 5 साल ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा था कहने लगा, हमें इस जेवर के बदले कोई दूसरा जेवर इन्हें लुटाना होगा। यानी एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उनको जब कोई उम्मीद नहीं रही तो लॉजिल ने बस यही तजवीज़ दी उससे, अपनी बीवी मिटिल्डा से, कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको अब इसका मुबादिल लुटाना है इन्हें मैम फॉरेस्टर को। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन
they had lost. It was valued 40,000 francs. They could get it for 36,000. यानी इन्हें पैलेस रॉयल नाम के बाज़ार में एक दुकान पर हीरों का एक हार मिल गया जो बिल्कुल वैसा ही लगता था जो इनसे गुम हो गया था। ये 40,000 फ्रैंक की कीमत का था, वो इसे 36,000 में हासिल कर सकती थी। यानी बाज़ार, यानी एक बाज़ार जिसका नाम है रॉयल नाम के बाज़ार की दुकान में एक हीरों का दुकान था। तो जब वो वहाँ गए तो उनको वहाँ पर एक बिल्कुल यानी हीरों का एक हार, वहाँ बिल्कुल उसी हार जैसा वहाँ पर उन्होंने देखा, तो वो बिल्कुल वैसा ही था जो यानी जिस हार को उन्होंने गुम किया था। तो उस हार की कीमत वहाँ पर दुकान पर थी 40,000 फ्रैंक की, लेकिन उनको 36,000 फ्रैंक्स में ये हार मिल सकता है। लॉजिल पोजिशन 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, टुक द रेस्ट, ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, टुक money from usurers and the whole race of lenders, then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter their 6,000 francs, 36,000 francs. yani lazil ke paas 18,000 francs the jo iska walid iske liye chhod gaya tha। बाकी की रकम उसने उधार ले ली। उसने तबाह कुन इकरार नामे करने के बाद सूदखोरों और उधार देने वालों की पूरी कौम से पैसे लिए ले लिए। फिर वो नया हार लेने के लिए चला गया दुकानदार के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स रखते हुए। इन्हें लोजल के पास सिर्फ 18,000 रुपये घर में मौजूद थे, जबकि हार 36,000 में उसकी कीमत थी। तो उसके जो 18,000 रुपये थे वो उसके वालिद ने इन्हें उसके बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। बाकी की रकम उसने उधार ले ली थी, यानी उन मनी लेंडर्स ने उसको पैसे दिए, यानी जो पैसे उधार देते थे या जो सूदखोर उस पर सूद कमाते थे। तो उसने वहाँ पर एक इकरारनामे के पर दस्तखत किया कि वो सूद समेत ये पैसा मुकर्रर वक़्त पर लौटा देगा। तो इसके बाद उसने वो पैसे हासिल किए, बाकी रकम तो उस दुकान के पास चले गए और वहाँ पर काउंटर पर उन्होंने पूरे 36,000 रुपये उसको रख दिए, यानी काउंटर पर। व्हेन मैम लोजिल टुक बैक द जिवल्स टू मैम फॉरेस्टर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रोजी ट्यून, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। यानी अब मिटिल्डा जब मैडम लोजिल यानी मैडम फॉरेस्टर के पास वो हार वापस लेकर गई तो वो बहुत रुखे ढंग से बोली उससे, यानी मिटिल्डा से उसकी सहेली ने रुखे ढंग से बोला, तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाती। यानी आपको ये हार जल्दी लौटाना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लोजिल फियर शी वुड, व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परस्यू द सब्स्टिट्यूशन, व्हाट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर। यानी मैडम फॉरेस्टर ने डबिया को खोल कर न देखा, यानी उसने उस डब्बा को नहीं खोला, जैसे कि मैडम लोजिल को यानी मिटिल्डा को डर लगा हुआ था कि अगर वो ऐसा करेगी, अगर वो इस अदला बदली को भांप लेती तो वो क्या सोचती, तो वो क्या कहती, क्या वो उसे एक ठग समझ लेती।
इन्हें डर था मिटिलडा को कि अगर उसने वो डब्बा खोला, उसने ये देखा कि ये हार, यानी वो ये वो हार नहीं है जो उसका हार था, यानी ये उसका मुबादिल है, तो वो उसको क्या समझेगी, वो क्या कहेगी, वो यही शायद समझेगी कि ये ठग है, ये चोर है। नेमलोजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइनिकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेबिट। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। यानी मिटिलडा या मैम लॉजिल को अब गरीबी की एक खौफनाक जिंदगी का पता चला, फिर भी उसने अपना किरदार पूरी बहादुरी से निभाया। इस खौफनाक कर्जे को चुकाना ज़रूरी था, इस ने उसे लुटाने की ठान ली, यानी उस कर्ज़े की जो उन्होंने कर्ज़ा उठाया था सूद पर। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, जो घर पर नौकरानी थी उसको उन्होंने निकाल दिया, हटा दिया, अपनी रहाइशगाह बदल ली। उन्होंने बाला खाना में कुछ कमरे किराए पर ले लिए, यानी अपनी रहाइशगाह को उन्होंने बदल दिया और अपने लिए वहाँ पर कुछ कमरे किराए पर लिए। शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। शी वॉश्ड द डिशेज। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, डियर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। एंड क्लॉथड लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटियर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग बैगलिंग टू द लॉस्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी। यानि मिटिलडा ने रसोई घर के नापसंद दीदा काम को करना सीख लिया। वो बर्तन मांजती, वो गंदी चादरें, अपने कपड़े और पौने धोया करती और फिर इन्हें सुखाने के लिए एक रस्सी पर डाल देती। वो हर सुबह कचरा उठाए हुए नीचे गली में जाती और ताज़ा पानी उठाए हुए सीढ़ियों से ऊपर लाती। सांस लेने के लिए सीढ़ी के हर जेने पर रुक, यानी उसको रुक, यानी वो रुका करती थी। और वह आम औरतों के कपड़े पहने हुए पिनसारी, कसाई और सब्जी वाले की दुकान पर जाती, अपने बाजू पर टोकरी लटकाए हुए वहाँ सौदा खरीदती और अपने थोड़े से पैसों की एक एक पाई बचाने के लिए इन्हें भाव तोल करती। इन्हें अब पूरा जो काम है, घर का काम, वो मिटिलडा अब खुद किया करती। इन्हें उसकी वो आदत वगैरह उसने वो बदल दी। अब वो रसोई में भी काम करने लगी, वहाँ पर बर्तन मांजना, गंदे कपड़ों को यानी मेले कपड़ों को, चादरों को, यानी हर एक चीज़ को, यानी धोने का उसने अब काम शुरू कर दिया। यानी तमाम घर के काम, क्योंकि नौकरानी जो थी उसको निकाल दिया था, वो हर सुबह यानी वो जो कचेरा वगैरह था घर का निकलता था उसको नीचे गली में जाती फेंक देती, और यानी ताज़ा पानी भी उसको सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर लाना पड़ता था, यानी जिसके लिए उसको सीढ़ियों के हर जेने पर रुकना पड़ता था सांस रुकने के लिए, लेने के लिए। और वो अब आम औरतों के कपड़े पहने हुए यानी बिल्कुल पिनसारी की दुकान पर, यानी
इसी तरह से कसाई की दुकान पर और सब्जी वाले की दुकान पर खुद जाया करती टोकरी लेकर, तो वहाँ से वो सौदा वगैरह ख़रीद लेती थी और वो अब एक एक पैसे का हिसाब लगाती थी बने दुकानदारों से, वो यानी भाव तोल कर यानी उनसे एक एक पैसे के लिए उनको उसकी कीमत यानी पूरा यानी उसका भाव तोल करती थी। यानी अब इतनी उसको घर यानी ये अपनी गुर्बत यानी अब दिखाई देने लगी कि किस तरह से उस घर के खर्चे को कैसे बच बच यानी कम किया जाए ताकि जो कर्जे का बोझ था वो उनसे कम हो जाए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट फाइव शूज ए पेज एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रेस्टोर्ड ऑल। और उसका जो शौहर यानी मिस्टर लोजिल था वो शाम के वक़्त ओवर टाइम काम किया करता कुछ दुकानदारों के हिसाब किताब लिखने के लिए, और रात को वो देर तक 5 पैसे सफ़े के हिसाब से किताबत का काम भी किया करता। और ये ज़िंदगी 10 साल तक चलती रही। 10 साल ख़त्म होने पर उन्होंने अपना एक एक पैसा चुका दिया। यानी उसका जो शौहर मिस्टर लोजिल था यानी वो भी अब ओवर टाइम काम करने लगा दुकानदारों के पास हिसाब किताबत की का काम। तो यानी इसमें 10 साल लग गए और 10 साल के बाद उन्होंने वो कर्ज़े का एक एक पैसा चुका दिया। तो ये थे आज पेज नंबर 111 पर जो कुछ पैराज हैं इनकी रीडिंग और इनकी एक्सप्लेनेशन स्टोरी की। तो अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ वर्ड्स है जो इन पैराज से आज हमने पढ़े हैं, तो मैं इनको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अटरली यानी मीन्स पूरी तरह से, कॉस्ट डाउन यानी शर्मंदा होना, ट्रैक मीन्स का रास्ता, एडवर्टाइज का मतलब है इश्तियार देना, स्टेट का मतलब हालात, बीवल्डरमेंट मीन्स घबराहट, फ्राइटफुल का मतलब खौफनाक, क्लैस्प मीन्स कुंडी, डिक्लेयर्ड का मतलब है ऐलान किया, रिप्लेस का मतलब है बदलना, चैपलेट का मतलब है माला, पोजेस्ड मीन्स का रखना यानी रखा था, रूनियस का मतलब है तबाहकुन, इशुरर्स का मतलब है सूदखोर, फ्रिजिड मीन्स रुखे ढंग से, परसीव का मतलब है ध्यान से देखा देखना, रोबर का मतलब है ठग, इसी तरह से सबस्टिट्यूशन का मतलब है अदला बदली, हीरोइकली का मतलब है बहादुरी से, लॉजिंग का मतलब है रहिशगा, एटिक का मतलब है बालाखाना, ओडियस का मतलब है नफरत के काबिल, हैगलिंग का मतलब है सौदेबाजी करना, रेस्टोर्ड का मतलब यहाँ यानी चुका देना। तो ये थी एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स जो इन पैरा से हमने पढ़ी हैं। तो आज को क्लास को यहाँ पर ही हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल यानी पेज नंबर 112 से हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वसलाम।